कल वाली वीडियो यहीं पे खत्म की थी, अभी दूसरी शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अभी सर का फोन आया था, चाय पी ही रहे थे कि लाइसेंस आ गया है आपका, आप आ जाओ लेने के लिए। तो मैं बोला चलो ये तो अच्छी चीज है, अब कल का वेट तो होगा नहीं, जैसे मैंने बोला था कल जाऊंगा लाइसेंस लेने के लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो अब आज ही जाके लाइसेंस लेना है। तो बस आगे वाले गली में, जैसा कि आप लोगों को पता है सर का ऑफिस है, चलते हैं वहां, देखते हैं क्या सीन रहता है। चलोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे हम। चलो चलिए चलते हैं साथ में। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लाइसेंस मिलने जा रहा है अभी, क्योंकि ट्रेनिंग वेनिंग करा बहुत लंबा टाइम था, बहुत दिन पहले स्टार्ट करा था, तो अब जाके मिल रहे। चलिए अच्छा अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, देखते क्या होता है अंदर। गाइस लाइसेंस मिल गया है और थैंकफुली यहाँ पे कोई हिडन चार्जर नहीं था। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अभी आप लोगों से इस पे बैठ के बात करूंगा। और ये दिखा रहा है गाइस, ये लाइसेंस मिल चुका है, एड्रेस नहीं दिखाना है, ये वाला लाइसेंस है, पीछे थोड़ा बहुत एड्रेस वगैरह है उसको रहने देते हैं। हाँ बस ऐसे ही मिल गया लाइसेंस। और ये लाइसेंस का अब हम लोगों को मिल का पार्टी इंशाल्लाह जरूर, नेक्स्ट मंथ घर से पैसा आएगा तब। नेक्स्ट मंथ नहीं, अभी कल चाहिए, पहले बोल देते घर से पैसा आएगा तब इंशाल्लाह। पार्टी तो भैया हमको चाहिए, देखिए मिलेगा मिलेगा इंशाल्लाह। ना आप लोग पार्टी मिल जाएगा इस तरह। तो अभी चल के इसमें इस बारे में बहुत सारी बातें करनी है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये इसको जो ड्राइविंग लाइसेंस मिला है इतने मेहनत के बाद, तो इसे पार्टी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप ही लोग बताइए। हो गया गाइस, तो अभी इस बारे में जाके घर पे बात करना है, बहुत सारा बात करना है, तो आप लोगों को घर पे जाके बात करते हैं डायरेक्ट। काफी अच्छी फीलिंग आ रही है, फाइनली लाइसेंस मिल गया। बहुत लेट हो गया, लेट इन द सेंस के मेरा 21 ईयर हो गया, टू बी ऑनेस्ट 21 ईयर हो गया, और लाइसेंस बनता है 18 साल में, तो 3 साल लेट हो गया बट बन गया है, तो अच्छा फीलिंग हो रहा है। अब मैं बैंगलोर में कहीं भी कभी भी गाड़ी चला सकता हूँ, गाड़ी तो पहले भी चलाता था, अब कोई डर नहीं है। हम लोग को हमको फायदा ये है कि इसके लाइसेंस से हम लोगों पानी लाएंगे, चला सकते हैं, पानी लाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके लाइसेंस से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो अब घर पे मिलते हैं आप लोगों से, पढ़ रहे थे तो आप सोचा आप लोग ये सामने पढ़ते हैं, वैलिड टिल 2040 लिखा है भाई, जिंदा रहेंगे ना दोनों, बुढ़ापा तक चलाएंगे गाड़ी साथ में, वैलिड टिल 2040 लिखा है, तो चले जिंदा रहेंगे ना। कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो? मक्का में। अच्छा क्या नाम है? फाजिल। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? किसके साथ आए थे? हाँ दोस्त लोग, किसी के साथ आना चाहिए ना, मक्का में से दूर हुआ ना, उधर है ना, इधर है, इधर है, उधर है, छोटा सा बच्चा था, हम लोग वीडियो बना रहे थे तो काफ़ी गौर से आके देख रहा था, सोचा कि आप लोगों को दिखा देते। यूट्यूब देखते हो। इसलिए हुआ ये ना कि लाइसेंस कल मिला था, जब जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, और मेरे को कल टाइम नहीं मिला क्योंकि घर गया तो असाइनमेंट वगैरह बहुत सारा था और खाना बनाना ये सब में बातचीत करने में टाइम निकल गया, और शांति भी नहीं मिल पाया, मतलब वीडियो बनाने के लिए ओबियसली शांति चाहिए होता है थोड़ा शांत, तो वो नहीं मिल पाया। तो अभी फ़िलहाल तो अभी मैं कॉलेज से आ गया था, आज सेकेंड डे, तो कॉलेज आने के बाद पार्क आए हैं हम लोग, तो सोचा कि पार्क में ही आप लोगों को बता देते हैं कौन सा पार्क है, आप लोगों को पता ही होगा जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है पहले। तो आते हैं मेन टॉपिक पे। तो गाइज बेंगलोर में मेरा लाइसेंस तो बन गया, बट इसके कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन है, या फिर आप बोलो हिडन चार्जेस हैं, जो कि मेरे को नहीं पता थे, और मेरे को ऐसे ऐसे टाइम पे पता चले जिसकी वजह से मैं कुछ भी कर भी नहीं सकता था, और मुझे वो देना ही पड़ा या फिर वो इन्फॉर्मेशन मानना ही पड़ा। जब मैंने लाइसेंस बनाने के लिए जो एजेंट थे, जो रवि सर या फिर रवि भाई जो भी बोलो, JH सॉल्यूशन जगह के है इनका, तो उनको जब मैंने उनको अप्रोच करा तो उन्होंने बोला कि 7,000 रुपीज़ लगेगा, 2-व्हीलर 4-व्हीलर कंबाइंड लाइसेंस बनेगा, और 4-व्हीलर का 20 डेज़ का ट्रेनिंग होगा हाफ एन आवर का। तो मैं बोला ये भी सही है, चलो मेरे को अच्छा लगा ये डील, तो मैंने 2-3 ड्राइविंग स्कूल में पता करा तो ये डील काफ़ी सही था। फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई, हाफ पेमेंट मैंने कर दिया 3,000 का स्टार्टिंग में, उसके बाद 4,000 कर दिया और 3,000 करना बाकी था। फिर जब ट्रेनिंग वगैरह हो गया, एलएल आ गया, ट्रेनिंग नहीं हुआ, जब गाइस एलएल आ गया तो फिर पता चला कि 7,300 रुपीज़ देना है, तब मतलब फुल पेमेंट करना है, और फुल पेमेंट भी 7,000 नहीं गाइस 7,300 करना है। 300 क्यों? तो उन ये JH सॉल्यूशन वाले का सर्विस चार्ज। अब ये कौन सा चार्ज था बता, मैंने पहले पूछा था, इसके अलावा और भी कोई भी चार्ज है तो बताओ, कोई भी चार्ज है तो बताओ इसके अलावा, बट नहीं था उनने उस टाइम में, नहीं बताया मतलब था तो, बट उनने उस टाइम में बताया नहीं, समझ रहे हो? एक सेकेंड गाइस, हाँ तो उनने उस टाइम में बताया नहीं, और उस टाइम में बोलते 7,300 करो फुल पेमेंट, तभी मतलब DL के लिए अप्लाई करेंगे। मैं बोला
ऐसे कैसे सर आपने बताया नहीं था फिर अभी बोल रहे हो ऐसा। तो फिर मैं बोला कि सर चलो ठीक है मैंने कर दिया 7300 का बात कर दिया। फिर ट्रेनिंग का मसला आता है। इस ट्रेनिंग में क्या हुआ ना कि मेरे को बोला गया था कि 20 दिन की ट्रेनिंग होगी घंटे मतलब आधे घंटे की। तो मैंने बोला कि कॉलेज के बाद ट्रेनिंग ले लो मेरी, कॉलेज से छूटता हूँ डायरेक्ट ट्रेनिंग ले लो। तो बोला ठीक है सब कुछ मैंने उसी टाइम सब बता के ही किया था कि कॉलेज ख़त्म होगा मैं ट्रेनिंग करूँगा, उससे पहले मतलब दिन के टाइम में मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा कॉलेज रहता है। तो इस वजह से मतलब फिर ट्रेनिंग का सीन हो गया कि अब वो लोग अपने अपने टाइम पर बुलाते थे, कभी आ रहे एक सेकेंड, वो लोग अपने अपने टाइम पर बुलाते हैं, कभी 2 बजे आ जाओ कभी 1 बजे आ जाओ। अब कॉलेज से फ्री नहीं हुआ तो कैसे आ जाऊँगा ट्रेनिंग को। इस चक्कर में मेरा लाइसेंस में डिले भी हो गया अच्छा खासा। फिर उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग कभी आते 10 मिनट का ट्रेनिंग देते थे, बोलते कि आज के लिए इतना ही। बोला अरे ये क्या सीन है। फिर मैं गया उनके पास अपने एजेंट के पास कि ड्राइविंग स्कूल वाले ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो उनसे बात करो कुछ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर उनने बात करा तो फिर टाइम का इशू ख़त्म हो गया। फिर 2-3 दिन तो गाइस ऐसा हो गया कि मैं वहाँ जाके जहाँ पे मतलब मेरे को पिकअप करते थे मतलब घर से थोड़ा ही दूर है बट वहाँ मैं जाके बैठता था और बोल रहे हैं आ रहे हैं। फिर पता चलता था कि वो नहीं आएंगे क्योंकि किसी का डीएल टेस्ट करवा रहे हैं। चलो तो किसी तरह से ट्रेनिंग भी कट गई गाइस। अब आता है टाइम डीएल टेस्ट का, मेन टेस्ट डीएल टेस्ट होने वाला था। तो उस दिन सुबह में हम लोग को बोला गया कि ड्राइविंग स्कूल अब 7000 चार्ज किस चीज़ का लिया गया था अगर आपको सही से जानोगे तो लाइसेंस बनाने में इतना नहीं लगता है, तो बनवाने का चार्ज लिया गया था। अब मेरे को वहाँ पे सुबह में बोला जाता है कि 500 रुपीज़ जमा करो क्योंकि वहाँ जो टीचर है उसको देना होगा तभी एग्ज़ाम पास होगा। बोला हैं अब ये क्या करूँ। फिर मुझे मजबूरी में वो भी देना पड़ा। फिर अब जब मैं ड्राइविंग स्कूल से लाइसेंस बना रहा हूँ तो मेरे को ये भी देना पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम का पैसा भी देना पड़ेगा। फिर चलो एग्ज़ाम का पैसा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, खुद से RTO भी गया। RTO में मतलब एग्ज़ाम के टाइम में पता चला कि अब कार की ज़रूरत है क्योंकि कार का टेस्ट देना था तो कार की ज़रूरत थी। तो अब एग्ज़ाम में कार कहाँ से आएगा, तो कार के लिए 1900 रुपये लिए कार टेस्ट करने का। वो सेम ड्राइविंग स्कूल के लोगों ने कार का भी पैसा अलग से लिया 100 रुपये कार का, मतलब ये यूज़ करोगे तुम टेस्ट देने के लिए अपना तो उसका 100 रुपये लगेगा। फिर बाइक की बारी आई, पहले बाइक की बारी आई गाइस, तो बाइक का 100 रुपये लिया। फिर जाके लाइसेंस बना। तो मैं कल आपको बोलने वाला था गाइस, मैं शायद कैमरा के सामने नहीं बोला कि अब मैं लाइसेंस लेने जा रहा हूँ आपको हिडन चार्ज ना हो, क्योंकि मेरे को 7000 बोला गया था गाइस और लिटरली मेरे से 8000 रुपीज़ कलेक्ट किया इन लोगों ने। तो खैर वंस एक बार बनना है लाइसेंस कुछ अब बनवाता हूँ। बेंगलोर में थोड़ा रहता हूँ, बाइक का कहीं जाने का हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है लाइसेंस क्योंकि ट्रैफिक यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है। सोचा बनवा लेता हूँ, बनाया 7000, सोचा डील अच्छा लगा था तो शुरू किया था, अब मजबूरी में 8000 दे के बन गया। तो खुशी भी है कि बन गया लाइसेंस, बट इस तरह से बनवाना फिर सही नहीं है। अगर बेंगलोर में आप लाइसेंस बनवा रहे हो तो उसका मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है। हाँ तो मैं बोल रहा था मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास अपनी कार है और अपनी बाइक है तो आपको इजीली हो जाएगा, साइट के नाम पे साइट तो है, बट अगर आप किसी एजेंट के थ्रू या फिर किसी ड्राइविंग स्कूल के थ्रू नहीं आओगे तो आपको पूछते ही नहीं है। मैं लिटरली वहाँ पे एक भाई था जो अकेले आया था, सिर्फ 2-व्हीलर का था उसका, मेरे से खुद से 2-व्हीलर में वो 8 में चलाना होता है ना, वो मेरे खुद से मेरे से पैर नीचे रखाया था मेरा और वो जो रोड साइड में वो VLC मीडिया प्लेयर जैसा कुछ होता है ना तो वो साइड में रखा हुआ था कि इसके अंदर चलाना है बाउंड्री कर करके, तो वो भी मेरे से गिर गया था। तो मैं एजेंट के थ्रू था, मेरे आसपास में एजेंट था तो मेरे को कुछ नहीं बोला। एक बंदे की बाइक तो बंद हो गई उसको कुछ नहीं बोला, बट भाई की एक जो एक अकेला आया था बिना किसी एजेंट के उसकी गाड़ी बंद भी नहीं हुई, उसका बैनर मतलब किसी से में टच भी नहीं हुआ, बस उसने एक बार पैर नीचे रख दिया, फेल कर दिया, लिटरली फेल कर दिया गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूँ सीरियसली फेल कर दिया। एक भाई की गाड़ी मतलब अब यहाँ पे समझ लो कि ये ऐसा है ना, ये यहाँ से अब शुरू करना है टेस्ट देना तो इससे पहले स्टार्ट नहीं हो रही है ना उसको भी आप फेल कर दिया। तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे। अब फाइनली बन गया है लाइसेंस, तो अब देखते हैं कहीं घूमने निकलेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे मोटो व्लॉगिंग अगर पॉसिबल हो पाया तो कभी, अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। खैर यही सब बताना था, अभी पार्क आए थे सोचा यहाँ पर थोड़ा शांति है अच्छा माहौल है तो आप लोगों को बता देते हैं।
मिलते हैं आप लोगों को घर पे।